ये हैं कुश सर और ये हैं विशाल सर, द हिंदू कंप्लीट शो 8 से 10 करते हैं ना, पर इतना आसान नहीं होता। सुबह 4 बजे उठना होता है, पूरा न्यूज़पेपर खंगालना होता है, डीप और डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हर वेबसाइट पर चेक करना होता है। यूं ही नहीं बनता द हिंदू कंप्लीट शो, सिर्फ आपके लिए हर रोज़ 8 से 9 करंट अफेयर्स, 9 से 10 एडिटोरियल, यानी कंप्लीट द हिंदू शो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुश पांडे और आप देख रहे हैं द करंट अफेयर शो बेस्ड ऑन द हिंदू एंड द अदर सोर्सेज। आप सबका स्वागत है फिर से। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको हमारी सबसे पहली खबर पे, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडलाइन दैट विल फोकस ऑन द RBI एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रगल। दोनों के बीच काफ़ी बड़ी मीटिंग हुई कल और कई मुद्दों पर डिसीजन निकाले गए। देर वर सेवरल डिसीजंस दैट वर टेकन आउट, सम इशूज़ वर इग्नोर्ड, सम इशूज़ were left undiscussed, but this is the biggest of the headlines of today. So आइए दिखाते हैं स्क्रीन पर हमारी ये पहली हेडलाइन जो कि आपके सामने स्क्रीन पर ये रही। गवर्नमेंट RBI कॉल ट्रूस आफ्टर अ मैराथन बोर्ड मीटिंग। कॉल ट्रूस मतलब होता है कॉल पीस, मतलब उनके बीच जो भी कुछ इश्यूज थे उसको उन्होंने एक तरह से रिजॉल्व कर लिया है काफ़ी हद तक, एंड ये मीटिंग करीब 9 घंटे आपकी चली। सो गाइज, फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज सवाल बन सकता है कि इन मीटिंग में किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई, वॉट वर द चेंजेस दैट हैव बीन डन और दैट शैल बी डन आफ्टर द मीटिंग इज ओवर। तो इन सब की हम यहाँ पर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी जस्ट गिव यू द फर्स्ट लाइन्स। द टेंशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपीयर टू हैव डिफ्यूज्ड फॉर द टाइम बींग, विद बोथ अग्रींग टू सेटल फॉर अ मिडल ग्राउंड एट द एंड ऑफ ओवर अ 9 आवर मैराथन मीटिंग। तो 9 घंटे की मीटिंग के बाद जो डिस्कशंस थे उनमें किसी किसी मुद्दे पर एक सहमति, एक कंसेंसस बना है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द RBI. So let's first of all have a look at what are the consensus or what were the demands. Well, the demand from the center was number one, to align the capital norms of banks to Basel levels. मतलब Basel कहता है 8% पर RBI कहता है 9%. तो the government wanted कि the CRAR और the Basel norms should be kept at 8% and not at 9%. पर RBI ने कहा है कि there is no change in the Basel norms. According to the RBI, the CRAR जो कि हम discuss करेंगे आगे, that should be at 9%. CRAR का 9% ही रहेगा. Second was to relax the PCA. कल discuss किया था मैंने PCA के बारे में, जिससे कि जो 11 public sector banks जो कि PCA के अंडर हैं उन्हें एक तरह से निकाला जाए, to actually make them come out from the PCA. तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि prompt corrective action on banks issue to be examined by the RBI department. तो एक framework committee बनेगी जो कि examine करेगी कि PCA में हम क्या क्या change लाएं. तो इस पर एक तरह से जीत हो गई है government की और यहाँ पर जीत हुई है आपकी RBI की. थर्ड पॉइंट की बात करें, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को आसानी से पैसा मिल सके, दे शुड बी प्रोवाइडेड लोन्स अप टू 25 करोड़ एट अ रेगुलर बेसिस. तो उसके लिए इन्होंने अलाउ कर दिया, उन्होंने कहा है कि हाँ हम इसको कंसिडर कर सकते हैं. देन द लास्ट पार्ट वॉज, द सेकेंड पार्ट वॉज ट्रांसफर ऑफ अ पार्ट ऑफ द RBI रिजर्व. जो RBI का पैसा है उसका पैसा ट्रांसफर किया जाए गवर्नमेंट को. तो जो करंट रिजर्व्स हैं उनको तो ट्रांसफर कर सकते हैं, पर जो फ्यूचर रिजर्व्स हैं उनको RBI रिस्ट्रिक्ट करेगा. सो द करंट रिजर्व्स विच आर मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट विद द RBI, दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, बट द फ्यूचर रिजर्व्स विल बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द RBI. देन अ सेपरेट लोन विंडो और अ सेपरेट लिक्विडिटी विंडो फॉर द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उसकी बात की थी, पर इस पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, कोई भी ऐसा विंडो यहाँ पर नहीं है. और आखिरी में गवर्नेंस इशू की बात की गई थी, इसको लेकर भी उन्होंने यहाँ पर कुछ नहीं कहा है. सो गाइज, इन अ नटशेल गाइज, इन द मिडल यू कैन
find the important changes. For example, no change to the CRAR, no change to Basel norms. It has to be maintained at 9%. Then PCA per, they will examine, wo consider karenge. MSME ke liye, jo ek debt, ek credit amounts hai, wo 25 crore tak ki baat ki gai hai. Then ek committee banegi, jisse ki jo capital reimbursement hai, jo ek tarah se reserves ka payment hai, uske liye baat cheet kiya jayega. To ye yahan par kuch ahem mudde hai. Zara wapas screen pe aa jayen, agar ye clear hai, please type kariyega 1. अगर नहीं क्लियर है टाइप करिएगा 2 और अगर नहीं क्लियर है तो आइए दिखाते हैं आपको इसका बहुत ही बेसिक जो कि ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर द टेंशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई अपीयर टू हैव डिफ्यूज्ड द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इशू दैट इज बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज कैपिटल उसको रिजॉल्व कर लिया गया है उसके लिए एक एक्सपर्ट कमिटी बनेगी देयर विल बी एन एक्सपर्ट कमिटी व्हिच विल लुक इनटू द इकोनॉमिक कैपिटल देन फ्यूचर अर्निंग्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है एंड करंट अर्निंग जो है उनको एक तरह से यहाँ पर रोका गया है पीसीए के पार्ट पे द बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन दैट इज़ बीएफएस वो रिव्यू करेगा एंड फिर बताएगा कि क्या क्या पैरामीटर्स को रिलैक्स किया जाए 11 बैंक्स अभी हैं जो कि पीसीए के अंडर हैं अगर हम बीएफएस की बात करें विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द कमिटीज ऑफ द आरबीआई द बीएफएस कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर 4 डेप्टी गवर्नर्स एंड कुछ अदर बोर्ड मेंबर्स को भी कंसिडर यहां पर करता है एमएसएमई लोन के लिए रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो करीब 25 करोड़ कर दी गई है और सीआरएआर जो है वो आपका 9% पे रहेगा सो दो से तीन लोग हैं जिनका 2 आया था तो जिनका 2 आया है आई होप इसको देखकर उनको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द बेसिक प्रोमाइज तो जल्दी से टाइप करिए 1 नाउ गाइस टू ऑल द पीपल जिनको अभी भी समझ में नहीं आया परेशान ना होइए आइए बात करते हैं सीआरएआर की सीआरएआर इज़ बेसिकली अ रेशियो Which measures the bank capital to its risk. एक बैंक के पास कितना पूंजी है और उस पूंजी से उसको कितना रिस्क है फॉर एग्जाम्पल इफ आई प्रोवाइडेड अ लोन टू 100 पीपल ऑफ 100 करोड़ सो दिस 100 करोड़ लोन्स टू 100 पीपल विल बी माई कैपिटल इट विल ऑल्सो बी माई रिस्क क्योंकि हो सकता है कि वो जो कैपिटल है वो वापस ना लौटे सो वेन वी मेजर द रिस्क ऑफ अ बैंक्स कैपिटल दैट इज सीआरएआर सीआरएआर का फॉर्मूला आपको याद कर लेना है इसका फॉर्मूला है टीयर 1 प्लस टीयर 2 अपॉन रिस्क वेटेड असेट्स सीआरएआर का फुल फॉर्म है कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशियो आल अगेन रिपीट गाइस कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशियो सो व्हाट अबाउट रेगुलेटर ऑफ पेमेंट बैंक्स उस पर विनोद भाई बातचीत नहीं हुई क्लियर हो गया सबके सब 1 लिख रहे हैं कुछ लोग का भी 2 आया है परेशान ना हो वीडियो एक बार फिर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं अच्छा लगा तो प्लीज़ लिखिएगा 1 Let's now focus on the next headline, जो कि ये रही अब आपके सामने Brigadier चांदपुरी cremated with state honors. कुछ समय से मैं करंट अफेयर्स नहीं कर पाया था तो ये तब की खबर है ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरू प्लेड बाय सनी देओल इन दी मच फेबल्ड मूवी बॉर्डर ही वॉज क्रीमेटेड विद स्टेट ऑनर्स एंड इन्हें महावीर चक्र मिला था इनके शौर्य के लिए इन द 1971 इंडो पाक वॉर जो एक लोंगा वाला पोस्ट पर बैटल हुआ था उसके ये एक हीरो थे एंड उस पर्टिकुलर लिहाज से इनको बहुत ही फेमस बहुत ही रुतबा मिला एंड मोर सो आफ्टर द 1997 मूवी बॉर्डर तो एक बार आइए इनके देख लेते हैं इनके बारे में या इस हेडलाइन के बारे में इम्पोर्टेंट स्टफ द रिमेन्स ऑफ द ग्रेट ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी वर लेट टू रेस्ट ही वॉज अवॉर्डेड द महावीर चक्र फॉर हिज हीरोइक्स इन द लोंगावाला बैटल 97 में इनकी हीरोइक्स पर इनके शौर्य पर बॉर्डर मूवी बनी थी जो कि आप सब जानते हैं जिसमें सनी देओल का जो रोल था वो इन्हीं के रोल पर इंस्पायर्ड था चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप करिएगा 1 अगर आप सबको क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट खबर है केरला टू एड कैंसर केयर इन कर्नाटका देर आर टू स्टेट्स गाइस दो स्टेट्स हैं एक है केरला एंड द अदर वन इज कर्नाटका सो गाइस केरला जो स्टेट है उसका जो एक सीडैक डिपार्टमेंट है सीडैक जो कि एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सो विद द हेल्प ऑफ सीडैक इन तिरुवनंतपुरम दे विल प्रोवाइड मेडिकल केयर इन रूरल एरियाज ऑफ कर्नाटका कर्नाटक के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं
वहाँ पर जो सीडैक सीडैक तिरुवनंतपुरम है वो मेडिकल केयर प्रोवाइड करेगा। इसके लिए देर विल बी अ मोबाइल यूनिट दैट विल बी नेम्ड एज आशा किरण, इसको फ्लैग ऑफ किया गया फ्रॉम सीडैक तिरुवनंतपुरम, जो कि एक तरह से मेडिकल केयर प्रोवाइड करेगा टू द रूरल एरियाज ऑफ कर्नाटका। द कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज़ ₹2 करोड़। सो बहुत सिंपल है, सीडैक केरला विल प्रोवाइड मेडिकल केयर टू रूरल एरियाज इन कर्नाटका। इसके लिए द नेम ऑफ द मोबाइल यूनिट जो कि एक तरह से वहाँ पर जाएगी उसका नाम आशा किरण है, और इसका जो इन्वेस्टमेंट है इस पर्टिकुलर पूरे प्रोजेक्ट में दैट इज़ 2 करोड़। एक बार आइए दिखाते हैं इसी का द हिंदू एंड स्टैटिक शॉर्ट्स, आइए पढ़ लेता हूँ मैं आपके लिए। अ फुल फ्लेज्ड सेल्फ सफिशियंट मोबाइल मेडिकल यूनिट फॉर कैंसर स्क्रीनिंग fully designed and equipped by Center for Development of Advanced Computing or CDAC will now take medical care to the rural areas in Karnataka. कर्नाटक में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर जाके एक तरह से जो मेडिकल सुरक्षा है, मेडिकल केयर है, उसको ये मोबाइल यूनिट प्रोवाइड करेगा। सवाल एग्जाम में आएगा कि वट इज़ द नेम ऑफ द मोबाइल यूनिट दैट शेल प्रोवाइड मेडिकल केयर टू द रूरल एरियाज इन कर्नाटका, द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन विल बी आशा किरण। इसको डेवलप किया गया है CDAC द्वारा और इसका जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज ₹2 करोड़। एक सवाल आ रहा है परिणीता का, ये परिणीता पेज नंबर 5 पे है, जो लोग नहीं जान रहे हैं ये पेज नंबर 5 पे है। इसके अलावा देर इज ऑल्सो अनदर मोबाइल यूनिट कॉल्ड एज संजीवनी जो कि एक तरह से मेडिसिन प्रोवाइड करती है, जो कि मालाबार कैंसर सोसाइटी द्वारा रन की जाती है, वो भी केरला में रन कर रही है फॉर द पास्ट 10 ईयर्स स्पेशली इन 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्दर्न साइड ऑफ केरला। तो आई होप अगर क्लियर हो गया प्लीज कमेंट करिएगा, हुआ नहीं हुआ है कमेंट करिएगा 2। अब दोस्तों क्योंकि यहां पर हमने बात की है आपसे केरला के बारे में, तो आइए जानते हैं सम स्टैटिक्स जीके अबाउट केरला। नाउ गाइस मैं फिर से रिपीट कर दूं आपके लिए, IBPS PO मेंस का GA पेपर देख के एक बात क्लियर हो गई है कि अगर आपने डिटेल में कोई खबर नहीं पढ़ी तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। इट इज़ हाईली पॉसिबल कि क्लर्क का लेवल भी हाई होगा एंड ऑल्सो UPSC का जो लेवल है उसको भी टच कर सकता है। सो मेरा आप सबसे यहीं पर कहना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करें डिटेल में। सो आइए एक बार ले चलते हैं आपको स्टेट GK के बारे में अबाउट केरला। केरला इज़ ऑन द साउथ वेस्टर्न साइड ऑफ द मलाबार कोस्ट, मलाबार कोस्ट के साइड पड़ता है आपका। देखिए दो कोस्ट हैं, आई होप सेकेंड कोस्ट का नाम आपको पता होगा। अगर हम बात करें नेबरिंग स्टेट्स के तो कर्नाटक इज़ ऑन द नॉर्दर्न पार्ट एंड ऑल्सो ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। देन वी हैव तमिलनाडु विच इज़ ऑन द ईस्टर्न साइड एंड ऑल्सो ऑन द सदर्न साइड। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो मलयालम इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज। द कैपिटल ऑफ केरला इज़ तिरुवनंतपुरम। जो सबसे इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी थी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल वॉज डन बाय द चेरा डायनेस्टी, जो कि एक सिनोनिमस है कर्नाटका केरल के ग्रोथ से। इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट लिटरेसी रेट है 93.1% और लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जो जीवन मृत्यु दर है वो यहाँ पर 77 ईयर्स की है। गवर्नर की बात करें तो उनका नाम है पी सतासिवम, चीफ मिनिस्टर हैं पिनारई विजयन। केरला में करीब 44 रिवर्स हैं जिनमें इम्पॉर्टेंट है 4, पेरियार, भरतापूजा, पाम्बा एंड चलियार। इन टर्म्स ऑफ स्टेट एनिमल्स गाइस, इंडियन एलिफेंट, स्टेट बर्ड ग्रेट हॉर्नबिल, स्टेट फ्ला गोल्डन शार ट्री फ्ला, स्टेट फ्रूट जैक फ्रूट, और स्टेट ट्री जो आपका है वो है आपका कोकोनट ट्री। तो ये 2-3 चीज़ें आप यहाँ पर आप सब लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। ओके अब आगे बात करें, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। अगर हम बात करें यहाँ पर वेटलैंड्स की एरिया विच आर सिनोनिमस टू बर्ड्स फ्लोरा फोना एंड फॉरेस्ट, तो उसके हिसाब से 3 यहाँ पर रामसार साइट्स हैं। इनमें पहला है लेक सस्ता मुकोता, देन वी हैव अष्टामुड़ी लेक एंड देन वी हैव वेम्बनाड कॉल वेटलैंड। ये यहाँ के 3 आपके वेटलैंड्स हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका वो अगेन यहाँ का बहुत ही फेमस एक बायोस्फीयर रिजर्व है। मैंने कल बताया था आपको वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल में जो बायोस्फीयर है उसका नाम क्या है, सुंदरबंस। एक बार आपने चेक भी किया होगा, इंडिया हैज़ अराउंड 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स, उसमें आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी आता है। दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट टीक प्लांटेशन, टीक इज
बेसिकली अ फॉर्म ऑफ अ ट्री. तो दुनिया का सबसे पुराना जो टीक प्लांटेशन है दैट इज़ ऑल्सो इन केरला, और वो जो प्लांटेशन आपका है दैट इज़ इन निलंबूर. सिमिलरली एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है यहाँ पर जो कि एग्जाम में आता है, दैट इज़ द सेंट्रल कॉर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि अलेप्पो के अंदर आता है. देन हाई प्रोडक्शन में ब्लैक पेपर और नेचुरल रबर है. तीन एयरपोर्ट्स हैं, नंबर वन त्रिवेंद्रम, कैलिकट एंड कोचिन. एक मेजर सीपोर्ट है उसका नाम है कोचिन. फेस्टिवल्स में वैसे तो ओनम है, पर उसके अलावा थ्रिसूर पूरम, मकारी वलक्कू एंड उत्सवम, दीज आर द थ्री फेस्टिवल्स. ओणम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल्स जो कि केरला का होता है. सिमिलरली चार क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुदियट्टम, तुलाल एंड कृष्णाअट्टम. एक बहुत ही फेमस पेंटर थे जिनके ऊपर मूवी बनी थी इंडिया में, उनका नाम है राजा रवि वर्मा, वो भी यहीं से बिलोंग करते हैं. देन कलारी पयट्टू विच इज़ द मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट फॉर्म्स, दोज आर फ्रॉम दिस स्टेट. एंड बाकी जानकारी के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं जहाँ पर आपको बाकी जानकारी इसकी मिल जाएगी. अगर क्लियर हो गया है प्लीज़ कमेंट करिएगा. वन, अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा. एंड ऑल द पीपल हु आर फ्रॉम केरला प्लीज़ कमेंट येस सर आई एम फ्रॉम केरला. ओके, आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे. नाउ गाइस यू कैन सी नवजोत सिंह सिद्धू, ही इज़ वॉचिंग अ पर्टिकुलर वेरी इंपॉर्टेंट वेरी पायस वेरी सेक्रेट श्राइन ऑफ गुरु नानक. एंड ये देख रहे हैं इंडिया के साइड से, और ये बायनोकुलर से हेल्प से ये पाकिस्तान की साइड है उस तरफ भी ये देख पा रहे हैं. सो इंडिया जो है इट इज़ प्लानिंग टू हैव अ टेलीस्कोप, अ हाई पावर टेलीस्कोप एट दैट वन दैट विल बेसिकली हेल्प द सिख डिवोटीज व्यू द गुरुद्वारा करतारपुर साहिब फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर. बॉर्डर के इस ओर मतलब भारत की तरफ से अगर आपको गुरुद्वारा करतारपुर साहिब देखना है, जो कि एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द फाउंडेशन ऑफ सिखिज्म, बिकॉज जो गुरु नानक थे 18 साल वहां पर रहे और जो सिखिज्म है जो सिख धर्म है उसको डेवलप किया. सो उसके लिए एक टेलीस्कोप यहां पर बनाया जा रहा है एंड दिस इज़ वन ऑफ सच इवेंट. इसके अलावा कई और काम किए जाएंगे बिकॉज इन द कमिंग डेज टू कम दिस इज़ द 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव द फाउंडर ऑफ द सिख फेथ. उनका 550वीं बर्थ एनिवर्सरी, इस वजह से ही ये सारे काम यहाँ पर किए जा रहे हैं. तो आइए एक बार ले चलते हैं आपको इस हेडलाइन के डिटेल्स में, बिकॉज उससे बाहर तो इसमें नहीं आना. इंडिया प्लान्स टू इंस्टॉल अ हाई पावर टेलीस्कोप इन पंजाब गुरदासपुर फॉर सिख डिवोटीज टू व्यू द गुरुद्वारा करतारपुर साहिब फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर इन पाकिस्तान. इसके अलावा ये कई और काम करने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमिटी, एक कमिटी यहाँ पर बनाई गई है जिस कमिटी का नाम है NIC. दिस कमिटी हैज़ बीन मेड अंडर द होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जिससे कि 2019 में जो ये एनिवर्सरी पड़ रही है गुरु नानक देव की उसको सेलिब्रेट किया जाएगा. जो टेलीस्कोप लगेगा इट्स वुड बी इंस्टॉल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT. और सुल्तानपुर लोधी जहां पर गुरु नानक ने बहुत समय बिताया उसे एक हेटे सिटी के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा. इसके अलावा जो गुरबनी है विच इज़ वन ऑफ द एशियन टेक्स्ट ऑफ सिखिज्म, उसको भी इंडियन लैंग्वेजेस में पब्लिक किया जाएगा बाय द नेशनल बुक ट्रस्ट. तो यहाँ पर टॉप 6 पॉइंट्स हैं, उनको एक बार आप सब देख सकते हैं. अगर क्लियर हो गया प्लीज़ कमेंट करिएगा 1, नहीं क्लियर हुआ है कमेंट करिएगा 2 जल्दी से. ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे. एक सवाल आ रहा है फ्रॉम अभिजीत दास. अभिजीत, मैंने फाइनेंशियल टर्म डिस्कस किए हैं, फॉर एग्जांपल आज ही डिस्कस किया मैंने CRAR, सो वो सब डिस्कस होगा, बिल्कुल भी परेशान ना हो. अगर क्लियर हुआ है प्लीज़ कमेंट करिएगा आप सब 1. आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे. आर्मी हैज़ सिलेक्टेड द रशियन Igla-S missile. Igla-S is basically a man-portable missile. It's basically a man-portable air defense missile, which is the latest version of the Russian missile. और इसको Indian Army ने select किया है from Russia. कई सारे tenders थे, उन tenders में ये भी एक tender था, पर ये फ़िलहाल इंडिया ने select किया है from all the tenders available. आइए एक बार ले चलते हैं ये missile है क्या.
इंडिया हैज़ पिक्ड, मेरे को हटा दो, इंडिया हैज़ पिक्ड रशियाज इग्ला एस मिसाइल सिस्टम एज आर्मी चॉइस फॉर द मल्टी बिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स। मतलब एक इंसान इसको अलग अलग जगह पर अपने साथ ले जा सकता है, और इस पर्टिकुलर सिस्टम को डेवलप किया गया एज अर्ली एज 1970s, एंड इग्ला एस इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द मैन पैड्स और मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स, और इसकी जो रेंज है वो 6 किलोमीटर तक आपकी पड़ती है। सो सिंपल खबर है, इग्ला एस इज़ द सेलेक्टेड चॉइस ऑफ द इंडियन आर्मी विच इज़ अ रशियन इंटरपार्ट। वेल चंद्रू कुमार, आई एम डिस्कसिंग इन इंग्लिश, मैं हिंदी में भी डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज वी एज अ नेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल एवरी वन। सो आप लोग जो लोग इंग्लिश में हैं वो इंग्लिश में डिस्कस कर, जो हिंदी हिंदी में करें। एक सवाल आ रहा है उर्मिला रजौरिया का, उर्मिला एंड टू अदर्स, जो लोग पूछते हैं बार बार कि सर पेज नंबर कहाँ पर है, तो देखिए ये लिखा हुआ है, दिस इज़ द पेज नंबर, इट इज़ मैंशनड ऑन पेज नंबर 10। उर्मिला, इफ़ यू हैव गॉटन माई आंसर प्लीज़ कमेंट 1, अगर नहीं तो प्लीज़ कमेंट 2। क्लियर हो गया आपको, सिंपल सा सवाल बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम्स हैज़ इंडिया परचेज फ्रॉम रशिया। द आंसर विल बी इग्ला एस, नंबर 1। नंबर 2, दे कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन, वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मैन पैड, उसका आंसर होगा मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। आई होप ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया है। सबके सब कमेंट 1 करें, कि सिर्फ एक के 1 कमेंट करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे। मालदीव्स विल पुल आउट ऑफ चाइनाज FTA। नाउ व्हाट इज़ FTA गाइस? FTA का फुल फॉर्म है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। सो जो मालदीव्स गवर्नमेंट है, जो उसकी नई सरकार है, विच इज़ अंडर द न्यू लीडर, उस सरकार ने कहा है कि वो जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट था चाइना के साथ, उससे हटेगी, बिकॉज वो एक तरह का बर्डन है उनके देश के लिए। तो आइए एक बार ले चलते हैं कि ये बर्डन है क्या, एंड व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। द मालदीव्स गवर्नमेंट हैज सेड इट विल पुल आउट ऑफ अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट किया था बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन विद बीजिंग विद चाइना इन द प्रीवियस ईयर, और इससे बहुत ही बड़ी मात्रा में ट्रेड में इम्बैलेंस बढ़ा, मतलब एक्सपोर्ट कम हुआ, इम्पोर्ट ज़्यादा हुआ चाइना से, और अभी तक इसके अलावा किसी और के साथ मालदीव्स का कोई भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं है। सो फॉर अ चेंज यहाँ पर ये बड़ी बात, एक कॉम्प्लीमेंट आ रहा है फ्रॉम अभी ओनर, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दिस शो, आई हैव सीन, थैंक यू सो मच अभी ओनर फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब अगर बात करें हम FTA के बारे में, FTA क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों FTA क्या है, FTA का फुल फॉर्म है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ अ ट्रेड अग्रीमेंट, अ ट्रेड अग्रीमेंट इज़ बिटवीन 2 or more कंट्रीज और ट्रेडिंग कंपनी, ट्रेडिंग ब्लॉक्स, फॉर एग्जाम्पल नाटो और आसियान, दैट प्राइमरली एग्री टू रिड्यूस और एलिमिनेट टैक्सेस को आपस में कम करने के लिए। जब दो या उससे अधिक कंट्रीज़ एक तरह से अग्री करती हैं, या दो ऑर्गेनाइजेशन अग्री करती हैं, उसे हम कहते हैं एक ट्रेड अग्रीमेंट। Now, what is FTA? FTA is when 2 or more partners or 2 or more countries come together and agree to reduce stock taxes on a large number of items. जब एक बड़े जब for example majority item जो कि export होते हैं या import होते हैं, उनके अगर taxes में कमी की बात करें सरकार, if the government tries to reduce the taxes on all these items between these two countries, उसे हम यहाँ पर free trade agreement कहते हैं। Example के तौर पर we have the North American Free Trade Agreement, also called as NAFTA, जो कि USA, Mexico और Canada के बीच है। मैं आपको example देता हूँ, for example India export करता है rice, wheat, sugar, coffee, for example। अब इन चार चीज़ों पर उसने US के साथ कर लिया FTA। सो ऑन ऑल दीज फोर थिंग्स जो टैक्सेस होंगे, या तो वो ज़ीरो हो जाएंगे, या टैक्सेस की जो वैल्यू है वो अपने आप आपकी कम हो जाएगी। क्लियर हो गया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा 1। एक सवाल आ रहा है फ्रॉम माही चौधरी, मालदीव्स की करेंसी क्या है? मालदीव्स का कैपिटल तो बता दिया, माले है, पर मालदीव्स करेंसी क्या है ये बता दीजिएगा। अभिजीत दास, नाफ्टा देखिए दिया हुआ है, नाफ्टा इज़ अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन USA, मेक्सिको एंड कैनेडा। आइए एक बार दिखाते हैं आपको इसी का एक मैप, का मैप स्टडी ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो मालदीव्स है वो कहां पर है, बेसिकली ये इंडिया के काफी नजदीक है, पर चाइना जो कि करीब, जो कि कुछ यहां पर होगा, ये इससे
इसने एक FTA किया था, इसका सिर्फ रीज़न ये था कि इंडिया से इसको दूर करना, टू एक्चुअली पुश अवे रिलेशंस विद इंडिया, पर ऐसा नहीं हो पाया बिकॉज अब जो नई मालदीव्स गवर्नमेंट है वो इस पर्टिकुलर FTA को क्या कर रही है, कैंसिल कर रही है। आप दोस्तों देख सकते हैं कि मालदीव्स का जो कैपिटल है वो है माले, इट इज़ वेरी नियर बाय द इक्वेटर, द नियरेस्ट ऑफ द कंट्रीज कैन ऑल्सो बी श्रीलंका एंड ऑल्सो बी लक्षद्वीप, ऑलराइट, एंड ये आपका इस पर्टिकुलर पार्ट पे आता है। क्लियर हो गया? प्लीज़ कमेंट करिएगा। वन करेंसी का आंसर मिल रहा है मेरे को, करेंसी का आंसर है आपका रुफिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे, जो कि ये रही अब आपके सामने स्क्रीन पर। एयर सेवा ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड, दिस इज़ द सेकेंड वर्जन। मिंटू दास, सवाल बनेगा कि विथ विच कंट्री हैज़ मालदीव्स सजेस्टेड नॉट टू हैव एन अग्रीमेंट, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा रशिया, वो होगा चाइना, नंबर वन। नंबर टू, करेंसी पर सवाल बनेगा और कैपिटल पर सवाल बनेगा। इंडिया का अग्रीमेंट है श्रीलंका के साथ, इंडिया हैज़ अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विथ श्रीलंका, ठीक है मधु, आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। ओके, एयर सेवा 2.0 portal has been launched. The Ministry of Civil Aviation under Suresh Prabhu has introduced the second version of its web portal and mobile service called as Air Seva. Iske andar kai improvements hai. For example, you can log in from social media. There is a chatbot for traveler support. Grievance issues ko solve karne ke liye bhi yahan par suvidha hai. Saath hi saath aap flight schedule ki bhi details yahan par le sakte hain. So Air Seva 2.0 has been set up. ये जो खबर है, it is mentioned on page number 13. ये page number 13 पे खबर mentioned है. The Ministry of Civil Aviation, जिसके minister मैंने बता चुका हूँ आपको, सुरेश प्रभु हैं, उन्होंने introduce किया है the second version that is called as Air Seva 2.0, जिससे कि superior user experience होगा with enhanced functionalities to travelers. Improvements में आप login कर सकते हैं with security. You can log in with social media. एक chatbot होगा जिससे आप बातचीत कर सकते हैं for issues. एक grievance management system होगा. साथ ही साथ आप फ्लाई शेड्यूल की डिटेल्स भी जान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आगे चलकर इन द कमिंग ईयर्स इसका थर्ड वर्जन भी लॉन्च होगा, जो कि जो रैंकिंग्स हैं एयरलाइंस की उनको भी यहां पर डिस्कस करेगा। सो मैं फिर से रिपीट कर दूं आपके लिए, एयर सेवा 2.0 हैज़ बीन लॉन्च, नंबर वन। नंबर टू, इट वॉज लॉन्च बाय सुरेश प्रभु हु इज़ अ सिविल एविएशन मिनिस्टर। नंबर थ्री, इसमें कई इंप्रूवमेंट्स हैं। इसका जो थर्ड वर्जन है वो आपका अगले साल लॉन्च होगा, और इसका जो फर्स्ट वर्जन था वो 2016 में लॉन्च हो गया है। ना दोस्तों, सवाल यहां बनेगा, क्वेश्चन यहां बनेगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द सर्विस ऐप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। उसका आंसर होगा एयर सेवा 2.0। सवाल एक और बनेगा, द एयर सेवा 1.0 वाज लॉन्च्ड इन व्हिच ईयर। आंसर होगा 2016। और सवाल एक और बनेगा कि हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, तो उसका आंसर होगा सुरेश प्रभाकर प्रभु। ये तीन चार सवाल यहां पर आएंगे, अगर क्लियर हो गया है प्लीज कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे। नाउ गाइस, सेबी का कहना है कि अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने जो उसके डेटा है, जो उसका एक रिपोर्ट है, उसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, अगर उसे सही समय पर पब्लिश नहीं करती है, तो उस पर रीज़न उसको देना पड़ेगा कि why has दैट पर्टिकुलर कंपनी नॉट इशूड और नॉट प्रोवाइडेड दी फाइनेंशियल रिजल्ट्स। आपके सामने देखिए स्क्रीन पर दिया भी हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ भी देता हूँ यहाँ पर। The Securities and Exchange Board of India has made it mandatory for listed firms to disclose the reason for the delay, if any, in announcing the financial results within the stipulated time period. अगर किसी organization ने समय रहते इस बात की जानकारी नहीं दी, if any organization has not provided the information about the results of its quarter, जो उसकी तिमाही का रिजल्ट था, अगर उसको नहीं प्रोवाइड करा तो उससे सवाल पूछे जाएंगे। Now guys, हर तिमाही, for every quarter, the company gets 45 days to provide the financial results, and for annual results it gets 60 days. तो 45 days में प्रोवाइड करना है आपको results for quarterly results, and 60 days में एक साल के अंदर आपको प्रोवाइड करना है एनुअल रिजल्ट। तो अगर ये प्रोवाइड नहीं किया तो सेबी जो है वो सवाल यहाँ पर पूछेगी। ये खबर दोस्तों जो है वो मेंशन है अगेन
पेज नंबर 13 पर, सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज सेड कि ऐसी जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं उनके लिए मैंडेटरी है, मैंडेटरी मतलब होता है मस्ट, उनके लिए मस्ट है टू अनाउंस द फाइनेंशियल रिजल्ट्स विद इन द टाइम पीरियड, फॉर क्वार्टरली इट इज 45, फॉर एनुअल इट इज 60। अगर यहाँ पर सेबी की बात करें तो जो पूरा पूरा आपका सिक्योरिटीज मार्केट है, चाहे उसमें शेयर्स हों, चाहे उसमें बॉन्ड्स हों, चाहे उसमें डिबेंचर्स हों, चाहे उसमें डेरिवेटिव्स हों, एवरीथिंग, एवरी सिक्योरिटी मार्केट इज़ रेगुलेटेड बाय सेबी, जो कि शुरू हुआ था 1988 में, 1988 में आपका शुरू हुआ, और ये एक तरह से इसको एक कंट्रोलिंग पावर मिली ऑन 30 जनवरी 1992 आफ्टर द सेबी एक्ट ऑफ 1992 वाज पास्ड। अगर हम बात करें सेबी के बारे में, इसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में, इसके चेयरमैन हैं श्रीमान अजय त्यागी, और इसके तीन होल टाइम मेंबर्स हैं, इनमें पहले हैं गुरुमूर्ति महालिंगम, एस के मोहंती और अनंता बरुआ, जो कि यहाँ पर तीन होल टाइम मेंबर्स हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के। क्लियर हो गया है, प्लीज़ कमेंट करिएगा 1, नहीं हुआ है कमेंट करिएगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके राहुल जी, आप फिर से पूछ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर याद रखिएगा क्वार्टरली के लिए 45 डेज है एंड एनुअली के लिए आपका 60 डेज, इतना ही आपको याद रखना है, बाकी कुछ और आपको यहाँ पर याद नहीं रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अंशी जी, सेबी का काम होता है जितना भी कैपिटल मार्केट है, मतलब खोदा पहाड़ निकली चुहिया, जो आपका कैपिटल मार्केट है, सिक्योरिटीज़ मार्केट है, उसको रेगुलेट करना, फॉर एग्जांपल चेक करना कंपनीज़ को, शेयर्स के इशू को चेक करना, इन सब को चेक करना, वो इसका यहाँ पर मकसद है। कमेंट करिएगा 1 जल्द सबके सब। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट खबर दोस्तों जो है, इट इज़ अ टू कीवर्ड हेडलाइन, बिकॉज देर आर टू वर्ड्स विच विल कम इन द एग्जामिनेशन। पहला है आपका ई वे बिल एंड सेकेंड आपका है फास्टैग। So the central government is trying to integrate the e-way bill system with the National Highway Authority of India's fast tax system, जो एक system होता है जिससे कि आप बिना रुके एक टोल पॉइंट से ट्रैवल कर सकते हैं, एक टैग लगा होगा आपके विंडस्क्रीन पर, उस टैग को देख कर ऑटोमेटिकली पैसा कट जाएगा, दैट इज़ बेसिकली फास्ट टैग। सो दैट टेक्नोलॉजी, दैट फास्ट टैग मैकेनिज्म कैन ऑल्सो इंटीग्रेट ई वे बिल, मतलब अब जो ट्रक्स हैं, जो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन हैं जहाँ पर ऑलरेडी ई वे बिल पास हो गया है, उनको भी रुकना ना पड़े, उसके लिए यहां पर एक काम किया जा रहा है कि सेंटर इज ट्राइंग टू मल मतलब होता है, इज ट्राइंग टू टेक आउट अ मेजर हाउ टू लिंक द ई वे बिल विद द फास्टैग। तो आइए जानते हैं इस खबर के बारे में, ये रही आपके सामने, द रेवेन्यू डिपार्टमेंट इज प्लानिंग टू इंटीग्रेट द ई वे बिल विद द फास्टैग मैकेनिज्म, इट शैल फैसिलिटेट फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड ऑल्सो चेक जीएसटी इवेशन, जीएसटी में जो लोग जीएसटी चोर होते हैं, जो जीएसटी पे नहीं करते हैं, उनको चेक करेगा, साथ ही साथ बिना रुके काम चलेगा, इसके लिए जो ऑपरेशनल चीज़ें हैं उनको यहाँ पर चेक किया जा रहा है। अगर हम ई वे बिल की बात करें तो ई वे बिल का फुल जो नाम है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि ऑनलाइन रजिस्टर कर देता है, जिससे कि अगर ऐसा कोई ट्रांसपोर्टेशन है जिसकी वैल्यू 50,000 ज़्यादा है, उसको इस ई वे बिल को जारी करना पड़ेगा, चाहे वो स्टेट के अंदर हो या फिर स्टेट के बाहर हो। सो ई वे बिल इज़ अ डॉक्यूमेंट टू बी जनरेटेड ऑनलाइन व्हेन एनी गुड ऑफ द वैल्यू 50,000 और मोर, उसको अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो उसको यहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर हम ई वे बिल की बात करें, ई वे बिल इज़ सपोज टू मेक द ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ बाय एलिमिनेटिंग द टाइम स्पेंट ऑन इंटरस्टेट चेक पॉइंट्स। अगर फास्टैग से ई वे बिल लग गया तो एक तरह से जो एक टाइम लगता है ट्रैवल करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, वो अपने आप क्या हो जाएगा, अपने आप यहाँ पर कम हो जाएगा। अगर हम बात करें फास्टैग की, तो फास्टैग इज़ अ रिलोडेबल टैग, ये टैग आपके जो विंडस्क्रीन होगी उस पर यहाँ पर लगा रहेगा, यहाँ पर कहीं, और ये टैग के जरिए ऑटोमेटिकली आपका पैसा, जो टोल का पैसा है, 100 रुपए हुआ या 80 रुपए हुआ, वो ऑटोमेटिकली यहां से कट जाएगा। ओके, एंड ये जो टेक्नोलॉजी है, इट इज बेस्ड ऑन द रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी और द RFID। सो आई अगेन रिपीट फॉर द वेरी लास्ट टाइम, ई वे बिल इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, दिस बिल इज इशूड ऑनलाइन फॉर एनी ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी गुड हैविंग अ वैल्यू ऑफ मोर देन 50,000 इन द स्टेट्स और बिटवीन स्टेट्स। फास्ट टैग इज अ टैग दैट इज अप्लाइड ऑन द विंडस्क्रीन ऑफ योर कार, आपके कार के विंडस्क्रीन पर यह आपका लगेगा, और ऑटोमेटिकली पैसा इससे हट जाएगा जब आप एक टोल पास
पार करेंगे। एक सवाल आ रहा है, NHAI का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्लियर हो गया है? प्लीज़ कमेंट करिएगा 1, अगर नहीं क्लियर हुआ है कमेंट करिएगा 2। क्लियर हो गया होगा, आई एम प्रिटी सर्टन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे। दोस्तों देर इज़ नाउ एन ऐप, जिस ऐप के ज़रिए अगर आप चाहते हैं तो आप एक टेबल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE लेके आया है एक ऐसा ऐप जिसके ज़रिए जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स, देखिए एक वर्ड यहाँ पर आया है एंड वर्ड है रिटेल इन्वेस्टर्स। तो व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स? रिटेल इन्वेस्टर्स शैल बी दोज पीपल हुज इन्वेस्टमेंट लिमिट इज अप टू 1 लाख। ऐसे निवेशक जिनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट 1 लाख तक है, जिसमें हम आप भी आते हैं, वो लोग अब इन्वेस्ट कर सकते हैं T-bills में थ्रू एन ऐप ऑफ NSE, इसका नाम है NSE GoBid। इस ऐप के ज़रिए आप T-bills में निवेश कर सकते हैं फॉर 91 डेज, फॉर 182 दिन, फॉर 364 दिन, एंड आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं जो कि इसके बेटर वर्जन होते हैं, जो कि 1 साल से लेकर 40 साल तक के भी होते हैं। सो सिंपल सी खबर आ रही है फ्रॉम द NSE दैट नाउ वाया द NSE GoBid ऐप यू कैन इन्वेस्ट इन द ट्रेजरी बिल्स एंड ऑल रिटेल इन्वेस्टर। फॉर एग्जाम्पल एनी इन्वेस्टर हैविंग अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 लाख, वो लोग भी यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, T-bill में भी कर सकते हैं, एंड साथ ही में वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी यहाँ पर कर सकते हैं। अगर अच्छा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करिएगा लव यू सर, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप सब मुझे प्यार करते हैं, और अगर बहुत अच्छा लगा तो टाइप करिएगा 1, ठीक है? दोनों आपके ऊपर ऑप्शन है। तो आइए एक बार दिखाते हैं आपको इसी के बारे में हमारा कुछ फैक्ट्स। देखिए इस शो का एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि इस शो में कभी भी आपको कोई चीज़ शॉर्टकट में नहीं मिलेगी, इसमें हर चीज़ आपको मिलेगी डिटेल में, आपको कंटेंट मिलेगा डिटेल में, आपको लिंक मिलेगा। हम क्वेश्चंस नहीं कराते हैं बिकॉज हम विश्वास करते हैं डिटेल में समझाने के लिए क्वेश्चंस नहीं फंसेंगे, कंटेंट फंसेगा। सो याद रखिएगा यू हैव टू फोकस ऑन द कंटेंट नॉट ऑन द क्वेश्चंस, ठीक है? ओके, द NSE हैज़ लॉन्च्ड NSE GoBid जिसके ज़रिए आप निवेश कर सकते हैं T-bill के अंदर, 1। 2, इट कैन बी इन्वेस्टेड फॉर 91 डेज, फॉर 182, फॉर 364। यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट फॉर अ मिनिमम 1 ईयर टू अ मैक्सिमम 40 ईयर्स इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इसमें आप UPI के ज़रिए भी पे कर सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग ज़रिए भी यहाँ पर पे कर सकते हैं। अब एक सवाल यहाँ पर बनेगा कि वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ अ T-bill, आखिरकार एक T-bill आपका होता क्या है? देखिए T-bill स्टैंड फॉर अ ट्रेजरी बिल, इट इज़ बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट फॉर शॉर्ट टर्म, दैट इज़ फॉर लेस दैन 1 ईयर, जिसके ज़रिए सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो करती है मार्केट से। पहली बार 1917 में आपका T-bill जारी हुआ, इस समय इट इज़ बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, 91, 182 एंड 364। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है दैट इज़ 25,000 और इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। इसमें इंडिविजुअल्स, कंपनीज, ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, ये सब के सब इसे यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, वो आपके सामने स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। क्लियर हो गया है प्लीज़ कमेंट करिएगा 1। आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे। नाउ गाइस वी हैव अ विनर ऑफ ATP Masters। ATP Masters इज बेसिकली अ टेनिस टूर्नामेंट सबसे पहले, दूसरा इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट टेनिस टूर्नामेंट आफ्टर द 4 ग्रैंड स्लैम्स। 4 जो ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के अंदर, जिनके नाम हैं US Open, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विम्बल्डन और फ्रेंच ओपन। So after these 4 opens, the biggest event in tennis is the ATP Masters. तो उसमें जो इस बार के विनर हैं उनका नाम है Alexander Zverev from Germany. He has defeated the world number 1 Novak Djokovic 6-4, 6-3 to win the ATP finals in the O2 Arena in London, and this is his first win. 21 साल के हैं और इनकी ये पहली जीत है, and he is the first German after Boris Becker in 1995 to win the ATP Masters. और Djokovic के बाद, और ये youngest हैं Djokovic के बाद to win this tournament in such a young age. तो यहाँ पर 3-4 चीज़ें हैं जो कि मैं आगे आपको discuss भी करूँगा।
Alexander Zverev has beaten the world number one Novak Djokovic 6-4, 6-3 to win the ATP Finals in London. ये पहले जर्मन हैं आफ्टर बोरिस बेकर जिन्होंने 95 में ATP मास्टर जीता था, उसके बाद ये पहले जर्मन हैं और यंगेस्ट हैं सिंस जोकोविक टू विन दिस. इससे पहले यंगेस्ट थे जोकोविक 2008 में, उसके बाद नंबर पे आते हैं Zverev. अगर हम बात करें इस टूर्नामेंट की तो मैंने आपसे पहले बताया था कि इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट ईयर टूर्नामेंट आफ्टर द फोर ग्रैंड स्लैम नंबर वन. एक हफ्ते ये चलता है और ये हर साल O2 एरिना में होता है लंदन में इन UK. बेसिकली इट कंप्राइजेस ऑफ द टॉप 8 सिंगल्स प्लेयर्स एंड द टॉप 8 डबल टीम प्लेयर्स. और रॉजर फेडरर ने मैक्सिमम 6 बार इसको जीता है जो कि एक अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है. अगर क्लियर है प्लीज़ कमेंट करिएगा 1, अगर क्लियर नहीं है प्लीज़ कमेंट करिएगा 2. प्लीज़ गाइज एंड ऑल्सो टेल मी कि आपको कैसा लगा. अगर कमेंट कर रहे हैं 1 तो अच्छी बात है, कमेंट कर रहे हैं 2 तो मैं फिर से रिपीट करूँगा आप सबके लिए. ये खबर जो है ये मेंशन है ऑन पेज नंबर 16. आई होप सबको यहाँ पर क्लियर हो गया है. चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं हमारी अगली खबर पे जो कि ये रही आपके सामने. ये खबर आप लोग खुद से पढ़िएगा, सिंपल खबर है. शुभांकर शर्मा जिन्होंने यूरोपियन टूर में जीता था सर हेनरी कॉटन, ही हैज़ विन द टूर्स हेनरी कॉटन रूकी ऑफ द ईयर टाइटल. ये टाइटल उन्होंने जीता है, इसका नाम है सर हेनरी कॉटन रूकी. एंड ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय भी यहाँ पर बन गए हैं. अब दोस्तों यहाँ पर सवाल बनेगा सिंपल सा ही कि हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू एक्चुअली विन दिस सर हेनरी कॉटन रूकी ऑफ द ईयर टाइटल. तो उसका जो आंसर है वो होगा आपका शुभांकर शर्मा. ठीक, वो यहाँ पर आपको ध्यान देना है. शुभांकर शर्मा इज़ द फर्स्ट इंडियन टू एक्चुअली विन द सर हेनरी कॉटन रूकी ऑफ द ईयर. इतना ही इस पे आएगा, कुछ और इस पे नहीं आएगा. और चलते हैं हमारी आज की सेकेंड लास्ट खबर पे. ममता दीदी की एक किताब आई है. इस किताब को बायोग्राफी है बेसिकली. इस किताब को हाल ही में जारी किया गया. दिस पर्टिकुलर बुक हैज़ बीन ऑथर्ड बाय जर्नलिस्ट शुतपा पॉल एंड हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय पेंगुइन इंडिया. और इस किताब का नाम है दीदी द अनटोल्ड ममता बैनर्जी. ये इस किताब का नाम है. सो देर इज़ अ बायोग्राफी जो कि यहाँ पर आई है. और ये जो बायोग्राफी आपकी आई है ये आई है ममता दीदी की. ठीक है, और इस बायोग्राफी का दोस्तों यहाँ पर जो नाम है वो नाम है दीदी दी अनटोल्ड ममता बैनर्जी. इसको लिखा है यहाँ पर शुतपा पॉल ने और पेंगुइन इंडिया ने इसको हाल ही में यहाँ पर जारी किया है. दोस्तों जो लोग नहीं जानते, आई होप सब लोग जानते होंगे कि ममता बैनर्जी इस समय 8th चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल की. और ये बुक पेंगुइन इंडिया ने यहाँ पर जारी की है. क्लियर हो गया होगा प्लीज़ कमेंट करिएगा 1, नहीं क्लियर हुआ है तो कमेंट करिएगा 2. और अब आते हैं हमारी आज की आखिरी खबर पे जो कि ये रही आपके सामने. द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हैज़ बिगन. इट हैज़ बिगन इन पणजी गोवा एंड इट इज़ द 49th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. तो आइए जानते हैं इस फेस्टिवल के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स बिकॉज एग्जाम में ये आएगा. तो इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए 10 पॉइंट्स हैं जो कि इस हेडलाइन से आ सकते हैं. वो 10 पॉइंट्स आपके सामने देखिए मैंने आपको बता दिए हैं. फर्स्ट पॉइंट, द 49th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इट विल टेक प्लेस दिस ट्यूजडे. आज आपका ये होगा नंबर 1. नंबर 2, इसका जो इस बार थीम है वो है न्यू इंडिया. इस सेरेमनी को किया जाएगा एट दी श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम पणजी में. इसमें करीब 212 पिक्चरें जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं 68 कंट्रीज से. जो फेस्टिवल में पहली पिक्चर ओपन होगी वो होगी उलियन लांदाइस की डेब्यू मूवी द एस्पर्न पेपर्स. दैट विल बी द फर्स्ट मूवी टू ओपन द फेस्टिवल नंबर 1. नंबर 2, इस कॉम्पिटिशन की जूरी जो है उसमें आद्य सितारू हैं, एना फेरियोली है, टॉम फिस्क हैं, रॉबर्ट ग्लिंस्की हैं एंड राकेश ओम प्रकाश मेहरा है. सिमिलरली इंडियन साइड से ओलू एक मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है शाजी एंड करुण ने. इट विल ओपन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज फीचर फिल्म. साथ ही साथ मराठी फिल्म खरवास विल बी द फर्स्ट नॉन फीचर फिल्म फ्रॉम द इंडियन साइड. और इस बार जो कंट्री पर फोकस किया जाएगा मूवीज पे उस कंट्री का नाम है इसराइल एंड स्टेज फोकस किया जाएगा उसका नाम है झारखंड. अब सवाल यहां क्या बनेंगे, क्वेश्चन 1 यहाँ पर बनेगा कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. द आंसर विल बी न्यू इंडिया नंबर 1. हाउ मेनी मूवीज विल बी शोकेस. आंसर इज 212. क्वेश्चन नंबर 3, विच विल बी द मूवी टू ओपन द फिल्म फेस्टिवल. इट इज़ द एस्पर्न पेपर्स बाय उलियन लांदाइस. विच मूवी विल ओपन इंडियन सिनेमा, दैट इज़ ओलू.
which country is of focus in this particular festival, that is Israel, and कौन सी स्टेट इस बार फोकस में, तो उसका जो आंसर होगा वो है झारखंड. आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा. अगर हो गया है प्लीज़ कमेंट करिएगा वन. अब दोस्तों अब आगे बात करते हैं. एंड नाउ गाइज, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ एंड मैं जानता हूँ आप में से कई लोग हैं जो यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, जो बैंक में टॉप करना चाहते हैं जीए के अंदर, तो ये जो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये उन्हीं लोग के लिए है जिनको 50 जिनको 40 में से 35 लाने होते हैं या 50 में से 45 लाने होते हैं, ये उनके लिए ही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ. दिस इज़ द डिटेल एक्सप्लेनेशंस ऑफ दीज 10 पार्ट्स. जो लोग जो चाहते हैं कि और पढ़ना, तो अबाउट पीसीए मैंने आपको दे दिया इसी पीडीएफ में, सीआरआर के बारे में भी है, एमएसएमई के बारे में भी है, केरला के बारे में भी है, गुरुद्वारा करतारपुर साहिब भी आप पढ़ सकते हैं, इगला एस भी पढ़ सकते हैं, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू नाफ्टा, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू ई वे बिल, फास्टैग, और आप आई और आप आईएफआई के बारे में भी पढ़ सकते हैं. तो अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा. और दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हमारे वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर, और अगर चाहें तो सब्सक्राइब भी, यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल, बिकॉज सब्सक्रिप्शन ऑफ आर यूट्यूब चैनल इज़ दी पैरामाउंट इंपॉर्टेंस. सो विद दिस वील कम टू एन एंड गाइज, आपसे मिल दूंगा मैं कल. आई मीट यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस इन द मॉर्निंग. बाय गाइज, टेक केयर. एंड द पीडीएफ इज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड टू ऑल दोज पीपल हु वॉन्ट मोर कंटेंट. दे कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक मैं कमेंट्स में डाल रहा हूँ. एंड ऑल्सो टू दोज पीपल, एक बार जरा स्टोर खोल दें, ऑल्सो टू दोज पीपल हु वॉन्ट टू ज्वाइन माई बैच, दे कैन ज्वाइन माई बैच, दैट इज द बैंकर बाबू जी ए बैच जो कि 22 तारीख को शुरू हो रहा है, उसको भी वो ज्वाइन कर सकते हैं. उसका लिंक अगर ओपन हो गया तो दिखा दें. बाकी अभी हम आपसे विदा लेंगे एंड फिर आपसे हम मिलेंगे कल सुबह 8 बजे. तो तब तक के लिए ओपन हो गया, ओपन कर दीजिए. ओके, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं. सो बाय गाइस, टेक केयर एंड पीस आउट. ये हैं कुश सर और ये हैं विशाल सर. द हिंदू कंप्लीट शो 8 से 10 करते हैं ना, पर इतना आसान नहीं होता. सुबह 4 बजे उठना होता है, पूरा न्यूज़पेपर खंगालना होता है, डीप और डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हर वेबसाइट पर चेक करना होता है. यूं ही नहीं बनता द हिंदू कंप्लीट शो, सिर्फ आपके लिए हर रोज 8 से 9 करंट अफेयर्स, 9 से 10 एडिटोरियल, यानी कंप्लीट द हिंदू शो.
इवेंट भी प्राइवेट दिखा रहे हैं।